पिछले चार पीढ़ियों से ग्राहकों को शानदार गहनों की पेशकश करने वाले शहर के प्रतिष्ठित रोकड़े ज्वेलर्स की पांचवी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे पारस रोकड़े की संकल्पना पर नए फैशनेबल एवं किफायती ज्वेलरी ब्रांड रेयर इन एवरीवे की लॉन्चिंग शुक्रवार को लक्ष्मीनगर शाखा में अभिनेत्री युविका चौधरी की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। शहर के प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स में अब रेयर नामक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है। ये ब्रांड अब युवा पीढ़ी को आकर्षित करेगा। रेयर के बारे में बताते हुए पारस रोकड़े ने बताया कि मेरे दोस्त हमेशा पूछते थे कि रोकड़े ज्वेलर्स में युवा पीढ़ी के लिए क्या है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाता था, मगर इस बारे में सोचने पर मुझे रेयर की संकल्पना आई। ज्वाइन होना इज वन थिंग एंड नई लेगेसी क्रिएट करना इज वन थिंग। सो आई थॉट मैं आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ रोकड़े की लेगेसी एंड मैंने एक लेगेसी क्रिएट की है रेयर के लिए। सो इट्स वन स्टेप अहेड कि मैं एक लेगेसी क्रिएट कर रहा हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट रेयर, मेरा स्टार्टिंग से एक ही ऑब्जेक्टिव था कि नागपुर की पब्लिक को, नागपुर की जेंजीज, मिलेनियल्स, मेरे एज के जो लोग हैं, आई एम 24 नाउ टुडे, सो उन लोगों को जो ज्वेलरी मिलनी चाहिए फ्रॉम अ टीयर टू सिटी वो फर्स्ट हैंड मिल सके। दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव। फैशनेबल रहे, ट्रेंडी रहे, प्राइस पॉइंट उनका कम रहे, स्टिल गिफ्टिंग पर्पस के लिए रहे। एक एक ज्वेलरी जो वो सुबह पहने और रात को पार्टी में आफ्टर पार्टी तक पहन के फिर आखिरी में उतारे, एक ऐसी ज्वेलरी का सोल्यूशन रेयर ला चुका है फॉर नागपुर। इस दौरान अभिनेत्री युविका चौधरी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी और उन्हें रेयर का लोगो लॉन्च कर रोकड़े परिवार को शुभकामनाएं दी। युविका ने कहा कि मैंने आज जो ज्वेलरी यहाँ पर देखी है, इतनी वैरायटी तो मुंबई में भी नहीं मिलती है। लेकिन भरोसा किस पे करें? सो जब भरोसे की बात आती है तब आपके पास आता है एक ऐसा ब्रांड जहाँ पे आप सालों साल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक बेस जो रहा है बहुत टाइम से रहा है। सो ये रेयर आया है रोकड़े से एंड आई थिंक रेयर से आगे और भी कलेक्शन आते रहेंगे बिकॉज दे ऑलरेडी हैव गिवन गारंटी। उन्होंने लोगों को वो फेथ दिया है अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखा के। एंड आई थिंक बार जहाँ ज्वेलरी एक रिश्ते की तरह है, जहाँ रिश्ता बन जाता है फिर वो टूटता नहीं है। और आई विश ये ब्रांड बॉम्बे में भी होना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ बिकॉज बॉम्बे में इतनी वैरायटी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और यही बोलना चाहूँगी कि दिल खुश हो गया यहाँ आके, अच्छा कलेक्शन देखा और ऐसा कलेक्शन पहन के अच्छा भी फील होता है। सो कम एंड एंजॉय द शॉपिंग। वेडिंग्स आर कमिंग और शादियाँ भी आ रही हैं, फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। वैरायटी जो यहाँ है वो मुझे अभी तक मैंने नहीं देखा, सो आई एम वेरी हैप्पी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इतना अच्छा कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई वॉज लाइक अच्छा कलेक्शन होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये वैरायटी मुझे बॉम्बे में भी देखने को मिली। एंड जेन्युइनली मैंने बार बार इसी बात को इतनी वैरायटी इनके पास है कि मुझे लगता है आप चाहे बर्थडे के लिए आइए, चाहे आप वेडिंग गिफ्ट के लिए आइए, चाहे आप किसी भी फंक्शन के लिए, गिफ्टिंग पर्पज के लिए, पर्सनली हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई एक बार एंटर करेगा विदाउट बाइंग, नहीं मिल सकता खाली हाथ पे वापस जाए बिकॉज आप इग्नोर नहीं कर सकते। इतनी वैरायटी है, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा मैंने डायमंड सेट डाला हुआ, बहुत ब्यूटीफुल पीस है। एंड जिस तरीके से यू नो इस ब्रांड में मैंने खासियत देखी है, उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत डेलिकेट, बहुत क्लासी, फेमिनिन फील करते हो आप। एंड जैसे मैंने अभी नीचे भी बोला कि ज्वेलरी एक खाली ज्वेलरी नहीं होती, आपका इमोशन होता है एंड एक इमोशन के साथ आप खरीदते हैं, एक इमोशन के साथ बिकॉज आपकी लाइफ की मेहनत की कमाई होती है ज्वेलरी में। आप ऐसे ही नहीं इन्वेस्टमेंट देते, तो उसमें बहुत इमोशन और बहुत बहुत सारा फील जाता है। तो आई थिंक उस फील के साथ अगर आप एक लेटेस्ट फैशन भी मिले आपको और उसके साथ आपको एक गारंटी भी मिले बिकॉज आजकल यू लाइक टू बाय एनीथिंग आई थिंक ये बिकॉज मैंने फिर बोला कि ज्वेलरी है या फिर आप ज़िंदगी में कुछ ऐसे एसेट्स खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ है, तो ये इमीडिएट नहीं आप, आई एम टॉकिंग अबाउट हैवी जो बड़े
इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आप उसमें आप पहन के भी इंजॉय करना चाहते हैं और आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं. तो ये एक ऐसा डिसीजन होता है जहाँ पे आपके इमोशन ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं, क्योंकि हर इंसान, मैं ऑफकोर्स मैं खाली अपनी बात नहीं करूँगी, मैं सभी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की होती है और सब ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं. सो आई थिंक जब यहाँ पर बात आती है तो फिर इमोशन आपके जुड़ ही जाते हैं, और वहाँ पर आपको चाहिए फेथ कि आप ऐसी जगह जाएँ जहाँ से आपको विश्वास मिले, धोखा ना मिले, और आप बार बार आएँ और लाइफ में जुड़े रहें. सो इसी तरीके से एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने यहाँ पे वो कलेक्शन भी देखा है कि आप कॉलेज में जाएँ, पार्टी जाएँ, यू नो कोई भी फंक्शन है गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए. आजकल वेडिंग्स में हम आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, सो छोटे छोटे गिफ्ट सब लोग देना चाहते हैं. इट फील्स नाइस कि अगर आप गिफ्ट करते हैं, जिससे आप सेलिब्रेट करते हैं. सो वो कलेक्शन भी यहाँ पे आया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इतना लेटेस्ट कलेक्शन, इतना फैशनेबल है कि आप आराम से उसे पहन सकते हैं, आराम से रोज़ाना की ज़िंदगी में पहन सकते हैं, एंड बहुत अच्छी प्राइसिंग है, प्राइस जो रखे हैं इट्स अमेजिंग, सो इट्स वर्थ बाइंग. कमिंग टू यू पारस, रोकड़े ज्वेलर्स की लक्ष्मी नगर ब्रांच में हुए इस कार्यक्रम में पारस रोकड़े का जन्मदिन भी मनाया गया, जहाँ पूरा रोकड़े परिवार एक साथ नजर आया. जन्मों के साथ कंटिन्यू करते रहना है, साथ साथ है जन्मों के साथ, हम साथ साथ हैं. रेयर ज्वेलरी ब्रांड के लॉन्च के बाद संचालक सारंग रोकड़े ने कहा कि रेयर यह नया ब्रांड युवा पीढ़ी की सोच को दर्शाता है. रोकड़े ज्वेलर्स के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपका साथ यहाँ तक हमने देखा है. करीब पांचवी जनरेशन हमारी शुरू है, पारस नहीं, मेरा जो भतीजा आया ये पांचवी जनरेशन से स्टार्ट हो गई है. थॉट उसका है नए जनरेशन के लिए कुछ जो एज फैक्टर होता है 13 साल से लेके तो 25-30 साल के बच्चों के लिए जो ट्रेंडी ज्वेलरी होती है, अक्सर क्वेश्चन आते थे इस टाइप की ज्वेलरी आपके पास रहती है क्या, तो वो अभी नया सेगमेंट हमने शुरू किया हुआ है, उसको पारस लीड कर रहा है. ये रेयर ज्वेलरी ब्रांड मॉडर्न लाइटवेट फैशनेबल ज्वेलरी किफायती दर यानी 900 रुपए से रोकड़े ज्वेलर्स में उपलब्ध होगी. ये ज्वेलरी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और प्लैटिनम में उपलब्ध है. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट.